नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। वकीलों द्वारा अपने खिलाफ मारपीट से आक्रोशित सैकड़ों पुलिसकर्मी अपने ही मुख्यालय के बाहर इंसाफ की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महकमे के आला अधिकारियों की माने तो उन्हें मनाने के लिए सारी कोशिशें अब तक नाकाम दिख रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर देवेश चंद श्रीवास्तव ने पुलिसकर्मियों को इंसाफ का भरोसा देते हुए उन्हें काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मारपीट के आरोपी वकीलों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और जख्मी पुलिस कर्मियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज होगा। हालांकि प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी इससे संतुष्ट नहीं हुए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर डटे प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को खुद पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक ने संबोधित किया और उनसे काम पर लौटने की अपील की। सीपी की अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। इसके बाद तमाम आला अधिकारियों ने आक्रोशित पुलिसकर्मियों को मनाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि साकेत कोर्ट में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज है और उचित कार्रवाई होगी। जॉइंट सीपी श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को भरोसा दिलाया कि साकेत कोर्ट समेत और जगहों पर पुलिस के खिलाफ हिंसा मामले में दोषी वकीलों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आरोपी वकीलों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत उचित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। 30,000 कांड में सस्पेंड किए गए पुलिस वालों का निलंबन वापस करने की मांग को लेकर जॉइंट सीपी ने कहा कि मामले में कानून के हिसाब से काम होगा। जॉइंट सीपी के आश्वासनों से पुलिसकर्मी संतुष्ट नहीं हुए और काम पर लौटने से इनकार कर दिया। इस दौरान जॉइंट सीपी ने ट्रेनिंग के समय पुलिसकर्मियों को पिलाई गई अनुशासन की घुट्टी की याद दिलाते हुए इशारों में यह भी संकेत दिया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी टस से मस नहीं हुए। पुलिसकर्मियों की मांग है कि आरोपी वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जो पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं उनका निलंबन वापस हो। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली के सभी 6 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। बाकी की खबरों के लिए बने रहें एनबीसी हिंदी के साथ। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।